students, today we are going to discuss about continuity and defensibility, exercise 5.3, class 12, question 6. Find dy by dx, x p 3 plus x square y plus x y square plus y cube is 8 x p 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x square and x n minus 1. x square y में क्या लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल x square as it is y का डेरिवेटिव dy by dx plus y as it is x square का डेरिवेटिव 2x plus x y square में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा x as it is y square का डेरिवेटिव 2y फिर y का dy by dx plus y square as it is x का डेरिवेटिव 1 y cube means 3y square, फिर y का dy by dx is 81 का 0, derivative of constant number is 0, आप यहां से dy by dx वाले देखना, x square plus 2xy plus 3y square, dy by dx, बाकी term को उधर ले जाइए, minus के हो जाएंगे सब, 3x square, 2xy plus y square ठीक है क्या किया हमने 3x square 2xy y square ठीक है और बाकी की टर्म में से dy by dx निकाल दिया अब जो dy by dx के साथ में एक्स्ट्रा टर्म है वो उधर चली जाएगी उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में x square plus 2xy plus 3y ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है क्या किया हमने x की n का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल x की n कांस्टेंट नंबर का ये याद होगा तो सम अपने आप हो जाएगा x की 3 का 3x square as it is y का y as it is x square का x as it is y square as it is x 3y square फिर y का dy by dx ठीक है 81 का 0 dy by dx के एक साइड बाकी एक साइड तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 7 इज sin square y plus cos x y is equal to pi. Pi is the constant number का derivative is 0. तो sin square y पहले power आगे लाएंगे 2 sin y. Sin y का cos y और y का dy by dx. ठीक है? पहले हमने लिया power का 2 sin y. फिर हमने sin y का cos y. फिर y का dy by dx. Plus cos x y का क्या होता है? Sin cos का डेरिवेटिव माइनस साइन अब एंगल का xy में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल x एज इट इज y का y एज इट इज x का और pi का 0 ठीक है क्या है हमारा 2 sin y cos y को हम लिखेंगे sin 2y माइनस x sin xy dy by dx minus y sin xy is 0 ठीक है अब आप यहां लिख सकते हो 2 sin y cos y is sin 2y ठीक है यहां से आप dy by dx कॉमन लेंगे और उस टर्म को उस साइड ले जाएंगे sin 2y minus x sin xy dy by dx is y sin xy dy by dx निकालना बाकी टर्म उस साइड dy by dx is y sin xy डिवाइड में sin 2y minus x sin xy ये हमारा आंसर ठीक है एक बार फिर देख लीजिए sin की 2y
तो पहले पावर का करेंगे, पावर का गया टू साइन वाई, फिर साइन वाई का किया कोस वाई, फिर एंगल का किया डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही है पहले कोस वाई का किया माइनस साइन, फिर एंगल का किया एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल, ठीक है, पाई का माइनस साइन एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ टू साइन वाई फॉर्मूला लगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले लिया, बाकी एक साइड और जो टर्म कॉमन है वो ले, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज 1, पहले पावर का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, और एक्स का 1, पहले पावर का 2 कोस वाई, कोस वाई का माइनस साइन वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और वन का पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल सबका डेरिवेटिव करना टर्म वाइज। अब यहाँ पे ये माइनस का है उधर ले जाओ, यही है हमारी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन 2x, और इसको क्या लिख सकती हूँ साइन 2y, डी वाई बाई डी एक्स माइनस की थी उधर जाके प्लस की, तो साइन 2x बाय में साइन 2y इज डी वाई बाई डी एक्स, आपको पता होना चाहिए 2 साइन एक्स कोस एक्स इज साइन 2x, ठीक है, क्या किया हमने पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल, एक्स का 1 लिख लो अगर आपको प्रॉब्लम आए तो, ऐसे ही यहाँ पहले पावर फिर कोस वाई का फिर वाई का 1 का 0, अब ये माइनस की टर्म हो गई प्लस माइनस उधर, ये साइन 2y हो गया, ये साइन 2x, साइन 2x बाय साइन 2y इज आवर आंसर। क्वेश्चन 9 इज y is equal to sin inverse 2x by में 1 plus f square, okay? अब हमने चैप्टर 2 में रीड किया है कि अगर sin inverse है तो एंगल का sin बना के sin inverse को हटाना है, ठीक है, आप एंगल में कुछ ऐसा पुट कीजिए जिससे sin inverse हट जाए, जहां से वहां sin बनेगा तभी sin inverse हटेगा, ठीक है, तो आप पुट x इज टेंजेंट थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, और 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारा होगा साइन 2 थीटा, पुट कीजिए, अभी हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या है y साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है, अब हम करेंगे डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया dy बाय dx इज 2 बाय में 1 प्लस x स्क्वायर, ओके, क्या है हमारा साइन इनवर्स हटाना है, तो यहाँ साइन थीटा बनाना हमने, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो हमने एक्स को टेंजेंट थीटा पुट किया, थीटा का टेंजेंट इनवर्स एक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा है तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर इज 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन टेंथ इज y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ एक कंडीशन भी है माइनस 1 बाय रूट 3x 1 बाय रूट 3, x हमारा यहाँ से यहाँ रहेगा। तो आप x को टेंजेंट थीटा पुट कर लीजिए, पुट x इज टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ से थीटा क्या जाएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स x, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज टेंजेंट 3 थीटा, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, टेंजेंट 3 थीटा। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसल, y इज इक्वल टू 3 टेंजेंट इनवर्स x, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स x, डेरिवेटिव इज 3 एज इट इज टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव, हेंस आवर आंसर इज 3 बाय में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, x की जगह टेंजेंट थीटा पुट किया, ये टेंजेंट 3 थीटा हो जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, आंसर इज 3 बाय 1 प्लस एच के। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।